अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्राकृतिक चिकित्सा जानते हैं कि इसका इसका प्रचार, प्रसार, उधार और उत्थान करने का जो क्रेडिट है, वो किसे जाता है प्राकृतिक चिकित्सा का उत्थान करने का क्रेडिट दो प्रकार के लोगों को जाता है नंबर वन एटीन सेंचुरी में यूरोप में इसका फिर से रिवाइवल हुआ था एक बार को जो है हम भूल गए थे हालांकि हमारी संस्कृति का हिस्सा था प्राकृतिक चिकित्सा लेकिन जैसे-जैसे दवाइयां औषधियों पर हम ज्यादा विश्वास करने लगे तो उस प्राकृतिक चिकित्सा को हम भूल गए तो 18 सेंचुरी में यूरोप में इसका रिवाइवल हुआ और तब इसका रिवाइवल करने वाले जो लोग थे वो स्वयं एलोपैथी के डॉक्टर थे बरसों एलोपैथी की प्रैक्टिस करते-करते डॉक्टर्स विद कॉन्शियस थिंकिंग जिनकी थी उन्होंने लगा कि वो जो मेडिसिन द्वारा बरसों से इलाज कर रहे हैं लोगों का उससे बजाय फायदा होने के नुकसान हो रहा है तो उन्होंने धीरे-धीरे अपनी प्रैक्टिस इसमें जैसे हिपोक्रेट्स हैं जो फादर ऑफ नेशन है वो एलोपैथी के होते हुए फिर उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा लोगों को ट्रीट करना शुरू किया सन बाद, फास्टिंग इस तरह से और इसी प्रकार हेनरी लिंडलर वे भी एक एलोपैथी डॉक्टर थे तो एक वर्ग तो इन लोगों का था और दूसरा वर्ग था ऐसे लोगों का जो जो स्वयं मल्टीपल प्रॉब्लम से ग्रस्त थे और उन्हें अपने को स्वस्थ करने का कोई मार्ग नहीं दिख रहा था जिस तरह से अगर आप प्राकृतिक चिकित्सा की हिस्ट्री में जाएंगे तो लुई कूने और विंसेंट प्रेस्नेव ये ऐसे महान प्राकृतिक चिकित्सक हुए जो खुद बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त थे और उनका इलाज कोई भी पद्धति नहीं कर पा रही थी तो स्वयं उन्होंने पढ़ के प्राकृतिक चिकित्सा का कहीं से उनको मैटर लगा और फिर उसका पालन उन्होंने अपनी जीवन शैली में किया और जैसे जैसे उनकी तबियत में सुधार आता रहा प्राकृतिक चिकित्सा के प्रयोगों से खान पान के सुधार से तो उसके अपने अनुभव के चलते उन्होंने फिर इसका प्रचार प्रसार और आगे चलकर उन्होंने बहुत ही बढ़िया किताबें लिखी तो इसका बात बताने का अर्थ यह है कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें प्रकृति की शरण लेनी पड़ेगी प्रकृति के नियमों का पालन करना पड़ेगा तो ये प्रकृति के नियम आखिर है क्या प्रकृति के नियम है कि हमारे पहला नियम यदि हम प्रकृति के नियम के रास्ते पर चलना चाहते हैं और स्वस्थ रहना चाहते हैं बिना दवाइयों के तो हमें पशु पक्षियों से ये सीख लेनी चाहिए आ, सबसे बड़ी बात जो हमें सीखनी है वो है हमारा जो पहला नियम के हमारे जीवन में रूटीन होनी चाहिए जी हाँ और इस समय तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा कोई शेड्यूल नहीं है ऑफिस जाने का तो यहाँ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंस आ जाती है इस बात की कि हमारे जीवन में सुबह से लेके एक दिन में प्रतिदिन किस समय पर हमें क्या करना है वो जो रूटीन है बहुत इंपॉर्टेंट है किस समय पर उठना है किस समय पर सोना है और प्रतिदिन उसी समय पे सोना और जागना और भोजन याद रखिए कि भोजन एक निर्धारित समय पर करना बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे शरीर में वेरियस रिदम रिदम है है तो वो रिदम हो जाती है जब हमारा कोई रूटीन नहीं होता हम कभी भी कुछ खा रहे हैं कभी भी हम सो रहे हैं तो उससे हमारे जो भीतर का जो सिस्टम है वो हमारे ब्रेन भी जो है याद रखिए जिनको स्पेशली डायबिटीज है या बीमारियां हैं तो उनको तो और भी ज्यादा समय पर खाना है, है क्योंकि ताके ब्रेन जो है अपनी प्रिपरेशन कर ले, कि किस समय भोजन ब्रेन को जो है ये पता हो कि किस समय इस शरीर में भोजन आना है तो किस प्रकार से इंसुलिन का जो मैसेज है वो पैंक्रियास को भेजना है तो बॉडी की अपनी तैयारी अपनी प्रिपरेशन अगर आप समय पर सोते जागते खाते पीते हैं तो वो तारतम्य जो है मिलता है और एक जो है आपस में ट्यूनिंग होती है और तब जाके हारमोनी जितनी होगी तो उतना ही स्वस्थ है और अंदर की जो हमारे जो सारे आ, क्रियाएं हैं वो समय पर संपादित होंगी और हमें स्वस्थता प्रदान करेंगी इसके साथ साथ भोजन के नियम में हमें क्या क्या बातें याद रखनी है कि भोजन हमें कब खाना है भोजन हमें तब खाना चाहिए जब हमें रियल हंगर हमारी जब रियल भूख लगे तभी भोजन हमें करना चाहिए भोजन क्या भोजन भोजन करना चाहिए? भोजन हमें प्राकृतिक जिस रूप में प्रकृति हमें फूड जो है प्रदान करती है उसी रूप में उसका बहुत विकृत हम तल के भुन के मसाले डाल के जो है उसका स्वाद ही नष्ट कर देते हैं कभी आप खाली हल्की सी गाजर मटर और इन सबको सब्जियों को कभी आप हल्का स्टीम करके और बिना मसालों के खा के देखिए तो आपको उसका जो रियल टेस्ट है वो पता चलेगा कि असल में गाजर का क्या टेस्ट है मटर का क्या टेस्ट है क्योंकि हम तो इन सारे प्राकृतिक स्वादों को मसालों से इतना सबड्यू कर देते हैं है कि हमें पता ही नहीं चलता उसका ओरिजिनल टेस्ट क्या है और साथ साथ जो है भोजन को चबा चबा कर धीरे धीरे फॉर्म में हम खाते हैं तो उसमें जीवन होता है उसमें वाइटैलिटी प्रदान करने की शक्ति होती है क्योंकि तो वो एंजाइम से भरपूर होता है और जब हम उसे कुक कर देते हैं तो वो एंजाइम नष्ट हो जाते हैं तो वो जो प्राण शक्ति या वाइटैलिटी देने की या हमारे भीतर जो रिपेरेटिव मैकेनिज्म करने की क्षमता थी वो तो नष्ट हो जाती है ज्यादा पका हुआ भोजन देखिए जब आप बीमार हैं तब तो आपको बिल्कुल हल्का सुपाच्य प्राकृतिक अन्न या बहुत ही हल्का स्टीम को या सूप जूसेस लेनी चाहिए लेकिन रोजमर्रा की रूटीन में भी जो आपकी डाइट है वो मोर देन फिफ्टी सिक्सटी परसेंट रॉ ही होनी चाहिए कुक्ड मील जो है वो थोड़ा कम होनी चाहिए क्योंकि जो पका हुआ भोजन होता है उसके अक्सर विटामिन मिनरल नष्ट हो चुके होते हैं और उसको हमें जीवनी प्रदान करने की क्षमता कम हो जाती है जबकि रॉ फूड में वो क्षमता फलों में सब्जियों में सैलड में सो ड्राई फ्रूट्स में स्प्राउट्स में ये ऊर्जा का भंडार है हमें किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है यदि हम सही क्वांटिटी में इनका डेली सेवन करें साथ साथ पानी की बात बहुत जरूरी है कि हमें पानी पीना चाहिए हमेशा याद रखिए कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना चाहिए भोजन जब हमारे मुंह में जाता है हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है और जूसेस जो सिक्रेट होते हैं यदि हम उसके साथ पानी पी लें तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं उनका असर जो है उनकी पाचक शक्ति कम हो जाती है तो भोजन के साथ कभी भी पानी ना पिए हमेशा याद रखें कि भोजन के एक घंटा पहले या भोजन के दो घंटे बाद ही पानी पिए और सारा दिन भर में आप जो है पानी का इंटेक अपना दो ढाई लीटर रखें और साथ साथ जो है पानी के साथ आपकी जो मानसिक स्थिति है भोजन देखिए पकाने वाले की भी मानसिक स्थिति तनावग्रस्त नहीं होनी चाहिए क्योंकि भाव जिस भाव से भोजन बनेगा और ये ग्रहणियों ने देखा होगा कि जब हम अच्छे मूड में नहीं होते तो खाना भी स्वादिष्ट उस दिन नहीं बनता तो अपने मन को शांत करना है जिस समय हम भोजन बना रहे हैं और जब हम भोजन खा रहे हैं उस समय अपने मन को शांत करके ही खाएं अगर अब किसी स्ट्रेस में है टेंशन में है आपका मूड सही नहीं है गुस्से में है ऐसे भाव आवेशों में आवेगों में आप भोजन नहीं करें जब वो वेग शांत हो जाए तब ही जो है भोजन करें तो इस प्रकार से भोजन के नियमों का और प्राकृतिक भोजन खाना है तो यदि हम नियम पालन करेंगे प्रकृति का तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्राकृतिक भोजन से हमें वाइटालिटी हमारी जीवनी शक्ति ज्यादा बढ़ेगी अब जो है प्राकृतिक चिकित्सा में जो है बहुत सारे प्रयोग हैं उनमें से जो है कई हम सेशंस में बता चुके हैं आज जो है एक प्रयोग जो कि अः डब्ल्यू एच ओ द्वारा प्रमाणित है वो मैं आप लोगों को चाहूंगी कि आप नोट कर लें कि ये निमोनिया का सैकड़ो साल पुराना उपचार है और ये उपचार आप लोग पेन और अपना कॉपी ले लीजिए निमोनिया का सैकड़ों साल पुराना उपचार है ये और ये फेफड़ों को साफ रखना रखेगा और ये जो उपचार है या ये जो प्रयोग है ये जो है अः डब्ल्यू एच ओ यानी के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमाणित है तो इसमें हमें जो है ये हमारे फेफड़ों को साफ रखेगा और वहां का जो है टॉक्सिक मैटर एलिमिनेट करेगा तो इसका जो उपचार का जो इंग्रेडिएंट्स हैं एक चम्मच अदरक का रस आपको लेना है एक चम्मच शहद लेना है दो चीजें हो गई एक चम्मच अदरक का शहद अदरक का शहद सॉरी अदरक का रस हम कैसे निकालेंगे एक अदरक को हम हाँ ब्रेड कर सकते हैं और कपड़े में निचोड़ कर आप एक चम्मच अदरक का रस इस प्रकार निकाल सकते हैं उसके साथ एक चम्मच शहद और एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर आ, वन फोर्थ टी स्पून जो होगी हमारे काली मिर्च का पाउडर होगी और एक चिमटी जो है फिटकरी का फुल्ला फिटकरी का फुल्ला किसे कहते हैं जब हम फिटकरी का जो टुकड़ा है वो लेते हैं तवे पे डालते हैं तो वो पिघल के फूल जाता है उसको ठंडा करके पाउडर की फॉर्म में आ जाता है वो तो वो जो है एक चिमटी लेके तो ये एक दो तीन चार हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए एक चम्मच अदरक का रस एक चम्मच शहद आध एक चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर और एक चिमटी फिटकरी का फूला इन सभी को मिलाकर जो है सुबह और रात दो समय जो है लेना है तो इस और याद रखिए कि ये सैकड़ों साल पुराना निमोनिया का जो है उपचार है तो इसे अवश्य फॉलो डेफिनेटली विदाउट एनी आपके लंग्स की क्षमता बढ़ेगी और साथ साथ जो है आप छाती की लपेट बांधते रहिए तो इन्हीं शब्दों के साथ बड़े छोटे छोटे प्रयोग हैं लेकिन मैं चाहूंगी इनको करिए जरूर आप करिए और इसका लाभ आप उठाएंगे और ये पूरी दुनिया भर में अब तो रिसर्च भी कह चुकी है कि ये बात प्रूवन है कि बहुत सारी जो है डिसीज जो है इलाज जो है वो बिना मेडिसिन के भी पॉसिबल है आप प्रकृति की चीजों को प्रकृति के रास्ते को अपनाइए और स्वयं अपना जो है अपने शरीर को निरोगी कीजिए जी हाँ प्रश्न अब हम ले लेते हैं यदि कोई प्रश्न पूछना चाह